अयो एंड मैन दिवास क्वांटमेनिया मूवी देखने के बाद मुझे ही यू रिमेन की ये बात याद आई। एंड इफ यू थिंक आई एम ईविल, वेल जस्ट वेट। एंड सच में ही यू रिमेन की इन बातों का वजन एंड मैन दिवास क्वांटमेनिया मूवी में देखने को मिला कि ही यू रिमेन के वेरिएंट्स कितने ज्यादा हरामी हो सकते हैं। एंड नो डाउट एंड मैन दिवास क्वांटमेनिया का कैंग द कॉन्करर लिटरली काफी ज्यादा हरामी निकला। बट अफसोस इस कैंग के वेरिएंट का हरामी पना ज्यादा देर तक चला नहीं मूवी में। बट इससे हमें ये चीज रियलाइज हो जाती है, हाँ भाई विलन तो ऐसा ही होता है जिसे देख के फट जाए, और हाँ इस कैंग को देख के फटती है। एंड नाउ मार्वल ने एंड मैन दिवास क्वांटमेनिया के दो पोस्ट क्रेडिट सीन के थ्रू कैंग के और भी जो हरामी वेरिएंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। जहां एंड मैन दिवास क्वांटमेनिया के फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैंग के तीन वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जहां कैंग के पहले वेरिएंट का नाम है रामाटूट एंड सेकंड वेरिएंट का नाम है इमोटस, और जो थर्ड वेरिएंट है इसे ठीक तरीके से रिकॉग्नाइज करा नहीं जा रहा, बट कहा जा रहा है कि आयरन लेड या स्कारलेट सेंटेरियस है, बट ये थर्ड वेरिएंट प्रोबेबली स्कारलेट सेंटेरियस ही लग रहा है। एंड नाउ पहले मैं आपको इन तीन कैंग के वेरिएंट की एक शॉर्ट जानकारी दे दूं जिससे आपको आइडिया हो जाए ये तीनों है कौन। रामाटूट जिसका एक्चुअली फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था फैंटास्टिक फोर इशू 19 में इन 1963 में, बट एक्चुअली रामाटूट कैंग द कॉन्करर ही होता जिसका रियल नेम होता नेथेलियन रिचर्ड, एंड ये कैंग फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके एशियन इजिप्ट में आता है एंड देन वहाँ पे रूल करता है। इमोटस बेसिकली कैंग की रामाटूट के बाद ही सेकंड आइडेंटिटी होती है, एंड कॉमिक में इमोटस अपने आप को क्लेम करता था कि ये ही टाइम का लॉर्ड है, और इसका मकसद था कि अपने सारे वेरिएंट को खत्म कर दे और खुद ही बचा रहे जब तक वक्त खत्म नहीं होता। एंड इमोटस लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल भी है। एंड थर्ड वेरिएंट है स्कारलेट सेंटेरियस, और स्कारलेट सेंटेरियस इन दोनों कैंग के वेरिएंट्स को बताता है कि जिस कैंग को हमने बेदखल करा था, जिसे हमने क्वांटम रियलम में भेजा था, वो अब मर चुका है। एंड ये सुनके रामाटूट रिप्लाई देता है स्कारलेट सेंटेरियस का कि तुम्हारी ये खबर सच है ना, एंड स्कारलेट सेंटेरियस रिप्लाई देता है कि अगर ये सच नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता। एंड रामाटूट स्कारलेट सेंटेरियस से बोलता है कि तुम्हें तो बुरा लग रहा होगा कि तुमने उसे मारा नहीं। एंड तभी इमोटस बोलता है कि हम में से किसी ने उसे नहीं मारा, उसको उन्होंने मारा, और उन्होंने से इमोटस का मतलब होता है दी अवेंजर्स से। एंड इमोटस रामाटूट एंड स्कारलेट सेंटेरियस से ये भी बोलता है कि वो लोग अब मल्टीवर्स के बारे में जान गए हैं, और अगर हमने अभी कुछ नहीं करा वो लोग वो सब छीन लेंगे जो हमने बनाया है। एंड इमोटस थोड़ा चिल्ला के रामाटूट एंड स्कारलेट सेंटेरियस से बोलता है कि जल्दी कुछ करो, काम करो। एंड इमोटस के चीखने से रामाटूट एंड स्कारलेट सेंटेरियस थोड़ा डरने भी लग जाते हैं, एंड इससे क्लियर आइडिया हो जाता है कि इमोटस इन दोनों का लीडर है। देन इमोटस इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मल्टीवर्स में जितने भी कैंग के वेरिएंट होते हैं उन सबको असेंबल करता है। एंड देन हमें कैंग के काफी ज्यादा वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं जो काफी ज्यादा चीख रहे होते हैं, आई मीन चेयर अप कर रहे होते हैं। एंड ये वेरिएंट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली ये कैंग का वेरिएंट तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। और अब इस पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें इस चीज का हिंट मिलता है कि इमोटस ही वो कैंग का वेरिएंट होगा जो सीधा अवेंजर्स से भिड़ेगा और उनकी नानी याद दिलाएगा। एंड सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लोकी के सीजन 2 की एक क्लिप देखने को मिलती है, एंड इस क्लिप में एक स्टेज शो चल रहा होता है और ऑडियंस के बीच लोकी एंड मोबियस बैठे हुए होते हैं, और ये स्टेज शो असल में कैंग एक वेरिएंट ही कर रहा होता है। जहां इस स्टेज शो पे काफी सारी मशीन रखी हुई होती है एंड प्रोबेबली इन मशीन का कुछ लेना देना होगा टाइम से। एंड कैंग का वेरिएंट टाइम के बारे में ज्ञान दे रहा होता है कि टाइम ही सब कुछ है। एंड ऑडियंस के बीच में बैठा हुआ लोकी कैंग इस वेरिएंट को देख के बोलता है ये वही है। एंड लोकी की बात सुनके मोबियस कहता है कि ये उतना ज्यादा खतरनाक तो लग ही नहीं रहा, एंड लोकी कहता है हाँ ये है खतरनाक। एंड असल में ये जो कैंग का वेरिएंट है ये है असल में है विक्टर टाइमली, और ये जो टाइम पीरियड है ये है 1901 का। एंड कॉमिक में भी कैंग जब अवेंजर से हार जाता है कैंग छुपने के लिए 1901 के टाइम पीरियड में आता है, जहां कैंग अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है एंड बनता है विक्टर टाइमली। एंड विक्टर टाइमली 1901 में विस्कॉन्सिन का मेयर भी बनता है, एंड साथ ही विक्टर टाइमली एक काफी अच्छा इन्वेंटर भी होता है, जहां विक्टर टाइमली अपने आगे के मिशन के लिए इसी टाइम पीरियड में रहकर ही इन्वेंशन करता रहता है। बट ऐसा सिर्फ कॉमिक में ही हुआ था, मार्वल की जो स्टोरी है वो काफी डिफरेंट होने वाली है। जहाँ फिलहाल तो ये क्लियर है कि विक्टर टाइमली के बारे में हमें और लोकी की सीजन 2 में पता चलेगा। एंड लोकी की सीजन 2 की रिलीज डेट है समर 23। और आपके क्या ओपिनियन है एंड मैन दिवास क्वांटमेनिया के इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो भाइयों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।